साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई में ड्रग केस में बॉलीवुडियों के लिए काल की तरह काम करने वाले समीर वानखेड़े ने एक बार फिर स्ट्राइक की है। जी हां, मुंबई में कई दिन से समीर वानखेड़े चुप थे क्योंकि कुछ केस समीर से भी लिए गए थे, मगर अब 10 दिसंबर को यानी कि आज समीर वानखेड़े ने नई स्ट्राइक की है जिसके बाद तो हलचल बढ़ गई है। समीर वानखेड़े इस बार अकेले नहीं हैं, बल्कि पत्नी के साथ कोर्ट में पहुंचे हैं, जिसके बाद तो यहां तक कहा जाने लगा है कि समीर के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि नवाब मलिक है। और बड़ी बात ये है कि ये सब कुछ अचानक हुआ, पहले से ये कुछ भी तय नहीं था। तो क्या हुआ मुंबई में, कैसे समीर वानखेड़े ने कर दी स्ट्राइक और अब आगे क्या होगा, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो समीर वानखेड़े एनसीबी के वो अधिकारी हैं जो कि पिछले 1.5 साल से सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस हाथ में लेने के बाद समीर वानखेड़े ने कई केस पकड़े, कई लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया और लगातार बॉलीवुड पर सबसे बड़े हमले करते रहे और ड्रगी बॉलीवुड की पोल खोलते रहे। इस सिलसिले में मुंबई क्रूज ड्रग के मामले में आर्यन खान को भी पकड़ा गया, लेकिन मामला शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटी तक पहुंचा तो खासा हंगामा मच गया और समीर वानखेड़े पर भी आरोपों की झड़ी लगा दी गई। समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने वालों में सबसे बड़ा नाम महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक थे। मलिक ने समीर को लेकर कई खुलासे किए और कई दावे भी किए और हैरानी भरी बातें भी बताई, मगर समीर वानखेड़े ने अपनी तरफ से कभी भी कुछ भी बहुत ज्यादा इस पर जवाब नहीं दिया। नवाब मलिक सोशल मीडिया पर अपने खुलासे करते रहे, लेकिन इसी बीच समीर के पिता की याचिका पर कोर्ट ने नवाब मलिक को समीर वानखेड़े के खिलाफ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखने से बोलने से पूरी तरह रोक लगा दी। अब लगा था कि मामला शांत हो जाएगा, मगर यहीं से मामला और ज्यादा बिगड़ गया और इसीलिए समीर वानखेड़े इस बार अपनी पत्नी क्रांति रेडकर के साथ आए और बड़ी स्ट्राइक की है। समीर वानखेड़े अपनी पत्नी क्रांति रेडकर के साथ मुंबई के डिंडोशी में सिटी सिविल कोर्ट में पहुंचे और अपनी तरफ से एक बात कहे या फिर याचिका दायर करा दी। अब इसमें क्या मांग की गई है, क्या लिखा है, वो भी देखिए और समझिए। समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में लिखा है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजी हो रही है, कुछ लोग उन्हें गलत तरीके से निशाना बना रहे हैं, कुछ लोग उन पर गलत और बेबुनियाद टिप्पणियां कर रहे हैं जिससे वो मानसिक और सामाजिक रूप से बेहद प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और इसीलिए फेसबुक, गूगल और ट्विटर पर होने वाली इस बयानबाजी को तुरंत रोक दिया जाए और तत्काल इस पर रोक लगा दी जाए। अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर समीर वानखेड़े ने ये याचिका दी है और इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। साथ ही समीर वानखेड़े ने उम्मीद जताई है कि फैसला उनके पक्ष में ही होगा क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही नवाब मलिक को बयानबाजी के लिए रोक चुकी है। असल में नवाब मलिक को बयानबाजी से रोक तो दिया गया था, लेकिन फिर भी कई लोग समीर वानखेड़े को लेकर बयान दे रहे थे और समीर और उनके परिवार का मानना है कि आरोप है कि ये सब कुछ उन्हीं के इशारे पर हो रहा है, नवाब मलिक के इशारे पर ही गलत बयानबाजी की जा रही है और लगातार बयानबाजी पर आरोप लगा है, इसीलिए इस बार खुद समीर अपनी पत्नी के साथ कोर्ट पहुंचे। अब आगे क्या होगा वो भी समझिए। वैसे तो समीर वानखेड़े को इस मामले में जीत मिलना तय है क्योंकि कोई भी निचली कोर्ट अपने से ऊपर की कोर्ट के फैसलों को नजीर मानते हुए फैसले देती है और हाई कोर्ट जब नवाब मलिक को बयानबाजी से रोक चुकी है तो फिर लोअर कोर्ट अन्य लोगों को भी बयानबाजी से रोक सकती है और अगर ऐसा होता है तो ये फिर नवाब मलिक के लिए ही एक बार फिर से बड़ा और तगड़ा झटका होगा। लेकिन अगर समीर वानखेड़े की याचिका खारिज हो जाती है और उनकी मांग नहीं मानी जाती तो फिर समीर वानखेड़े के लिए ये झटका होगा। हालांकि समीर वानखेड़े को उम्मीद है कि उनकी मांग मान ली जाएगी क्योंकि हाईकोर्ट भी उनके पक्ष में फैसला दे चुका है। वैसे भी समीर वानखेड़े का कहना है कि लोअर कोर्ट से अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो वो अपर कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस मामले में राहत लेकर रहेंगे।
यानी कि अब समीर वानखेड़े इस मामले पर बेहद ही ज्यादा गंभीर और कड़े एक्शन के मूड में हैं और तय है कि समीर वानखेड़े अब गलत बयानबाजी करने वालों को छोड़ने के बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो आपका क्या मानना है कि समीर वानखेड़े वाकई गलत कर रहे हैं या फिर समीर वानखेड़े के साथ ये सब लोग मिलकर गलत कर रहे हैं? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो नवाब मलिक को अब तक लग रहा था कि मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा, मैं तो महाराष्ट्र का महाराज हूँ, मैं ट्विटर पर चाहे जिसके खिलाफ जो मन में आए लिख सकता हूँ, किसी की पर्सनल जिंदगी पर कितना भी कीचड़ उछाल सकता हूँ, किसी की जॉब पर कितना भी अटैक कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मगर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की इन सभी गलत फहमियों को दूर कर दिया है और नवाब मलिक का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया है। जी हाँ, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को और उनके परिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने वानखेड़े के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए नवाब मलिक और उनके पूरे परिवार को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो समीर वानखेड़े और उनकी फैमिली के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर नहीं करेंगे और ना ही उनके बारे में कुछ कहेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा कि समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी। दरअसल समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर नवाब मलिक द्वारा लगातार कई आरोप लगाए जा रहे थे, जिसे देखते हुए समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली थी और उसी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नवाब मलिक को करारा झटका दिया है। कोर्ट के इस सख्त निर्देश के बाद नवाब मलिक अब समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं कर पाएंगे और अगर नवाब मलिक अब भी ऐसा करेंगे तो मलिक को वानखेड़े के परिवार को 125 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर देने होंगे, जो कि मानहानि केस के दौरान समीर वानखेड़े के पिता ने मांगे हैं। दरअसल समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने हाईकोर्ट में मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा मंत्री को और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक बयान पोस्ट करने से रोकने का अनुरोध किया था। ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपनी इस याचिका में 125 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर मांगे थे, क्योंकि नवाब मलिक के द्वारा कही हुई बातों से उनके परिवार की बहुत मानहानि हुई है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर नवाब मलिक या फिर उनका परिवार नियमों का उल्लंघन करता है तो उन्हें हर्जाने के तौर पर 125 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े के परिवार को देने होंगे। अब कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि समीर वानखेड़े सिर्फ और सिर्फ राजनीति का शिकार हुए। आर्यन खान के केस से उन्हें दूर करने के लिए ये बहुत गंदी साजिश समीर वानखेड़े के खिलाफ रची गई। मगर कोर्ट में अब इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है और इसी के साथ एक खबर ये भी है कि अब समीर वानखेड़े बहुत जल्द मुंबई का एनसीबी दफ्तर फिर से ज्वाइन करने जा रहे हैं। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बाद समीर वानखेड़े थोड़ा स्ट्रेस में आ गए थे, मगर अब वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर चुके हैं और एक बार फिर से बॉलीवुड में भूचाल लाने के लिए तैयार हैं। एनसीबी दफ्तर के अंदर से सूत्रों की माने तो 10 दिसंबर के बाद समीर वानखेड़े फिर से ज्वाइन कर सकते हैं और एनसीबी दफ्तर में उनके रूम में आर्यन खान केस की तमाम फाइलें फिर से संभाल कर रखी जा रही है, जो कि अब तक एनसीबी अधिकारी संजय सिंह के केबिन में रखी हुई थी, क्योंकि अब आगे समीर वानखेड़े ही आर्यन केस को फिर से देखेंगे, इसीलिए सारी फाइलें संजय सिंह के केबिन से समीर वानखेड़े के रूम में पहुंचाई जा रही है। तो समीर वानखेड़े के आने से बॉलीवुड की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, साथ ही साथ नवाब मलिक की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि नवाब मलिक के दामाद समीर खान भले ही जमानत पर रिहा हैं, मगर उनके खिलाफ केस अभी खत्म नहीं हुआ है और उम्मीद की जानी चाहिए कि समीर वानखेड़े ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे। तो आप भी समीर वानखेड़े की वापसी पर और बड़ बोले नवाब मलिक पर आए कोर्ट के फैसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।